वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं गाइस? अच्छे हैं, मस्त है, तंदुरुस्त है गाइस। गाइस मैं भी हूँ पटना में, और पटना में आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ सीएनजी बस सेवा, जो सीएनजी बस सेवा है यहाँ पे पटना में चल रही है, और कैसे उसका काम चल रहा है। हाय यार, और कैसे वो बस चलती है गाइस, कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो आइए, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं गाइस? अच्छे हैं, मस्त है, तंदुरुस्त है गाइस। गाइस मैं भी हूँ पटना में, और पटना में आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ सीएनजी बस सेवा, जो सीएनजी बस सेवा है, कैसे यहाँ पे पटना में चल रही है, और कैसे उसका काम चल रहा है। बस चलती है गाइस, कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो आइए गाइस, हम लोग उस सीएनजी बस को देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे निकाली है सीएनजी बस सेवा, और क्या कहाँ पे जाती है। तो आइए गाइस, उसको हम लोग देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। अभी मैं हूँ पटना में, और पटना में मौसम का हाल कुछ अच्छा है गाइस, जैसा आप लोग देख रहे हैं। ये पटना में गांधी मैदान के पास है, जो सीएनजी बस का टर्मिनल है, और सीएनजी बस यहाँ पे लगती है गाइस। तो आइए हम लोग उस सीएनजी बसों को देखते हैं, सीएनजी बसों को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो पटना कुछ ऐसा दृश्य गाइस जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो आइए सीएनजी बसों के बारे में जानते हैं गाइस। ये सीएनजी बस है जैसा आप लोग देख रहे हैं, 555, ये यहाँ से जाती है पटना सिटी की ओर जाती है। तो गाइस चलिए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं, और बस के बारे में और अच्छे से जानते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, बस का कुछ ऐसा हाल है, और ये सीएनजी बस सेवा महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा मतलब व्यवस्था किया गया सीटों का, जैसा आप लोग देख रहे हैं पटना का सीएनजी सेवा। और जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसा लगाया हुआ है, और वहाँ पर गाइस जैसा आप लोग देख रहे हैं इसका मतलब भाड़ा भी है, ऐसा कहाँ से आपको कहाँ पर जाना है ये भाड़ा है ऐसा लिखा हुआ, हम लोग कैसे जा सकते हैं, कुछ ऐसा दृश्य है सीएनजी बस का अंदर का। एक्चुअली मैं अंदर में हूँ, तो सीएनजी बस सेवा का ऐसा अंदर। तो आइए तो उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो भैया बताइएगा कि सीएनजी बस जो चला है तो यात्रियों के लिए कैसा सुविधा है भैया? यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा है, बस थोड़ी सी इसका स्टॉपेज जगह जगह पर नहीं हो तो, ठीक ना, मतलब एक फिक्स जगह पर स्टॉपेज हो तो, ठीक ना, स्पेशली खास करके 555 का जो रूट है बाईपास होते जाती है, वहाँ बैरिया हो गया, या फिर यहाँ राजेंद्र नगर स्टेशन के पास से, इन सभी जगह पे बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो मतलब कोई एक अनएक्सपेक्टेड दूरी तो नहीं है, लेकिन टाइम अनएक्सपेक्टेड है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ से सिटी की दूरी महज 15 किलोमीटर के आसपास से, बट जाने में कम से कम 1 से 1.25 घंटा लगता है। क्या नहीं, मुझे चाहिए, लेकिन फिक्स स्टॉपेज पर मुझे स्टॉपिंग चाहिए, मतलब जहाँ पे बस स्टॉप बना हुआ है यात्रियों के लिए प्रॉपर, वहाँ पे ही इसका स्टॉपिंग हो। अननेसेसरी नहीं कि सभी जगह रुकता जाए, हाँ, बट ये रुकती है बस। हाँ, दूसरी बात है, मुझे इससे भी एक प्रॉब्लम है कि क्या है ना कि सभी सीटें महिलाओं के लिए ही आरक्षित हैं, आप देख सकते हैं, तो क्या जेंट्स का कोई अस्तित्व नहीं है? होनी चाहिए ना, 50% उनकी आबादी है, तो क्या हम लोग कुछ भी नहीं है? आप देख लीजिए बस में कितने महिला हैं, महिला हमारे 10% भी बसों में नहीं चलती है, लेकिन सीटें रिजर्व उनके लिए मोर देन 90% है, शायद एक दो वरिष्ठ या विकलांग के लिए होगा। क्या हम जैसे यूथ के लिए कहीं कोई जगह नहीं है? अगर आपका ये चैनल सिस्टम तक पहुँचता है, सिस्टम आपके चैनल को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, तो हमें भी उनसे एक यही होगा रिक्वेस्ट कि हम भी इसी सोसाइटी के, इसी समाज के हम भी लोग हैं, हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था ना की जाए, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें तो छोड़ी जाए, ठीक ना। थैंक यू भैया, ठीक है। हम लोग ड्राइवर साहब से बातें करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, जो सीएनजी बस चल रही है भैया, थोड़ा सा जो सीएनजी बस चल रही है उनसे लोगों को क्या मतलब सुविधाएँ हैं, और ड्राइवर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब मतलब लोग कैसे सुविधा है। तो बताइएगा भैया कि लोगों के लिए चलने में सुविधा है,
किराया इसमें कम लगता है, हाँ बहुत सुविधा है इसमें। बस कहाँ से कहाँ तक जाती है? बस चलती है गांधी मैदान से कारगिल चौक से खगौल। कारगिल चौक से खगौल, तो इसका मतलब किराया क्या है? भाड़ा 20 रुपया। मिनिमम भाड़ा? मिनिमम भाड़ा 20 रुपया है। गाइस आप लोग देख, 9 रुपया है सब पूरा उपरा। हाँ 11 से 12 13 और खगौल का 16 रुपया है। यहाँ क्या सगुना का 16 रुपया। लोगों के लिए अच्छा सुविधा यहाँ पे, जैसा बता रहे हैं लोगों के लिए अच्छा सुविधा है। सीएनजी बस है जैसा आप लोग देख रहे हैं, सीएनजी एक्चुअली मैं बस में हूँ गाइस जैसा आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे हैं इसका किराया तालिका दिया गया है कारगिल चौक से क्या कैसे किराया है, तो आप लोग देख सकते हैं। सचिवालय 8 रुपया, चिड़ियाघर 9 रुपया, शेखपुरा मोड़ 10 रुपया, तो ऐसा कुछ है गाइस। और ये सीट कंफर्टेबल है, लोगों के लिए अच्छा है जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गाइस। मैं भी गाइस बैठ गया हूँ सीट पर और मैंने सीएनजी बस का यात्रा किया है। सीएनजी बस में काफ़ी सुविधाएँ लोगों के लिए और लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जो गवर्नमेंट ने सीएनजी को चलाया, सीएनजी बसों को चलाया गाइस, तो ऐसा कुछ सीएनजी का दृश्य है। हेलो सीएनजी कंपेयर नेचुरल गैस गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा सीएनजी गैस, सीएनजी जो बस था, तो गाइस सीएनजी बस एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि लास्ट 2021 तक पटना की जो सभी बसें हैं जो इलेक्ट्रिक बसें या फिर सीएनजी बसें हो जाएगी, क्योंकि सीएनजी बसों से गाइस बहुत सारे ऐसे फ़ायदा भी है, पॉल्यूशन कम करता है और बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं सुनते भी हैं पटना में काफ़ी सारा पॉल्यूशन हो गया है, लेकिन जो सीएनजी बसें चल रही हैं गाइस, तो सीएनजी बसों से बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन मतलब कम होगा पहले से, और सीएनजी बसें जो गवर्नमेंट ने चलाई है उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदामंद होगा। जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया है सीएनजी बस, तो सीएनजी बस का दृश्य अच्छा ही लगा होगा। तो गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया सीएनजी बस जो पटना का सीएनजी बस है लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा, जो नया बस है चली है सीएनजी का, और सीएनजी का यहाँ पे स्टॉपेज है गांधी मैदान के पास में स्टॉपेज है गाइस। तो मैं अभी गांधी मैदान के पास हूँ और देखिए गांधी मैदान के पास है कुछ ऐसा दृश्य जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय।